सर्दियों का सीज़न और उसमें गर्मा गर्म पराठों का भी सीज़न चल रहा है और उन पराठों का मज़ा कई तरह के अचार के साथ लिया जा रहा है। खासकर पराठे वाले भैया का बना हुआ मिक्स अचार तो सबका पसंदीदा है, जिसे सब मांग मांग कर खाते हैं और बहुत पसंद से खाते हैं। तो क्यों ना वही सीक्रेट पर बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी और चटपटा अचार घर में बनाया जाए, वो भी बहुत ही आसानी से बनने वाले मसाले के साथ, जिसे बिना मेहनत के हम लोग बना सकते हैं और बहुत कम समय में ये बनके तैयार हो जाता है। तो बिना देरी के अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। इस अचार में आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी मोटी साइज की हरी मिर्ची ली है, ये थोड़ी कम तीखी होती है, आप चाहे तो ज़्यादा तीखी वाली भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे अपने लाल वाले देसी गाजर लिए, जो भी मार्केट में बहुत ही आसानी से और सस्ते मिल रहे हैं। अचार में चटपटे और क्रंची गाजर बहुत ही बढ़िया लगते हैं और साथ में विटामिन ए से भरपूर है, तो आप इसे ज़रूर डालें, ये खाने में हेल्दी है, इसका इस्तेमाल आप इस अचार में ज़रूर करें। और साथ में मैंने यहाँ पे ताजे एकदम फ्रेश पीले नींबू लिए हैं, एकदम जूसी नींबू है। अभी मार्केट में नींबू का भी सीज़न चल रहा है, तो सस्ते दामों में और आसानी से अच्छे क्वालिटी के नींबू अभी मिल जाते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे लहसुन भी लिया है, लहसुन से इस अचार का टेस्ट और बढ़ेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। लहसुन के साथ मैंने यहाँ पे अदरक भी लिया है, थोड़ा सा अदरक आप ज़रूर डालें, अदरक पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इस सर्दी के सीज़न में। सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से धो के पोंछ के सुखा के रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 लहसुन की गांठ छील के ऐसे कलियाँ निकाल ली है। आपको जितने क्वांटिटी में अचार बनाना है उतनी क्वांटिटी में आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। गाजर को भी मैंने यहाँ पे ऐसे छोटे पतले और लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। इस तरह के कटे हुए गाजर इस अचार में अच्छे दिखते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ पे मिर्ची को भी ऐसे बारीक कट कर लिया है। एक बड़ी मिर्ची को मैंने बीच में से कट करके उसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे तो सीधा बीच में से कट करके साबुत मिर्च भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नींबू को छोटे और पतले स्लाइस में कट कर लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़ों में कट कर सकते हैं। बड़े साइज़ के टुकड़े हम लोग आसानी से खा नहीं पाते और जल्दी ख़त्म नहीं होते, और अचार में इसे हम लोग बहुत बार फेंक देते हैं आधा अधूरा खा के, तो इससे अच्छा है छोटे ही टुकड़े आप बनाएं। अदरक को भी हमें ऐसे बारीक और पतले स्लाइस में कट कर लेना है, इससे अचार में ये जल्दी से सेट हो जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। ज़्यादा मोटे टुकड़े अदरक के अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मसाला बनाएंगे। ये मसाला बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स उसमें लगते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच मेथी के दाने लिए हैं। कोई भी आप अचार बनाए, किसी भी टाइप का अचार बनाए, उसमें मेथी तो डालते ही है और मेथी का एक यूनिक फ्लेवर होता है। मेथी को हमें यहाँ पे अच्छे से भून लेना है, क्योंकि मेथी का टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है। आप देख सकते हैं मेथी यहाँ पे उड़ने लगी है, यानी चटकने लगी है, तो मेथी हमारी अच्छे से भून गई है। यहाँ पे डालना है जीरा। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच जीरा लिया है। आपको जितने क्वांटिटी में मसाला बनाना है उसके हिसाब से आप सारे इन्ग्रीडियंट्स ले सकते हैं। मेथी के साथ 1/2 मिनट के लिए जीरे को भून लेना है। हल्का सा गर्म हो जाए तब हमें यहाँ पे डालना है साबुत सौंफ। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच सौंफ ली है। सौंफ की बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है इस अचार में। अचार में सौंफ का टेस्ट मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ और इससे फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। 1/2 मिनट स्लो गैस पे हमें इसे भूनना है, इसे ज़्यादा रेड नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको हल्का हल्का सा भून लिया है। 5 से 10 मिनट के लिए सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद ही पीसना है। 5 से 10 मिनट बाद अच्छे से ठंडे करने के बाद मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स को मिक्सर जार में ले लिया है और इसे इस तरह से दरदरा पीस लिया है। इस अचार में ये मसाला जो जाता है वो थोड़ा दरदरा और दानेदार होता है, इसे बारीक नहीं पीसना होता है। आप देख सकते हैं मसाला मैंने यहाँ पे पीस के रेडी कर लिया है, इसे साइड में रख देते हैं। इस अचार को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से और जल्दी से बनाएंगे तो ये फटाफट सेट भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म करने रखी है, इसमें डालेंगे तेल। मैंने यहाँ पे सादा सब्जी वाला तेल लिया है, जो घर में हम लोग सब्जी बनाते हैं। आप चाहे तो राई का भी तेल ले सकते हैं, बट हमारे घर में राई का तेल खाते नहीं है, तो मैंने यहाँ पे अपना सादा वेजिटेबल ऑयल लिया है। 1/2 किलो का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 से 200 ml तक तेल लिया है। आप अपने पसंद से कितना भी तेल ले सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी। तेल हल्का सा गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच साबुत सौंफ डाली है। वैसे तो सौंफ हम लोगों ने मसाले में भी पीसी है, बट ऊपर से साबुत सौंफ इस अचार में बहुत ही बढ़िया लगती है। गैस फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखना है, स्लो गैस पे सारी चीज़ें हमें तेल में डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे डाला है सौंफ, सौंफ के बाद मैंने यहाँ पे डाला है हींग। हींग किसी भी अचार में ना डाले तो उसका टेस्ट ही नहीं आता और बिना हींग के अचार तो बनेगा ही नहीं। अभी इसके बाद डालेंगे लहसुन। मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ साबुत ही रखी है। आप चाहे तो इसे छोटे या बड़े टुकड़ों में कट कर सकते हैं या हाफ स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। लहसुन को सबसे पहले 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें स्लो गैस पर फ्राई कर लेना है, ताकि इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से उतर जाए।
एक से डेढ़ मिनट हो गया है, अभी यहाँ पे डाल लेना है अदरक, और अदरक को भी हमें एक से डेढ़ मिनट के लिए यहाँ पे तेल में पकाना है जब तक उसका फ्लेवर उतर ना जाए। और इससे क्या होगा, अदरक और लहसुन कच्चा नहीं लगेगा और जल्दी से सेट भी हो जाएगा। एक से डेढ़ मिनट हो गया है, अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैंने यहाँ पर अभी गाजर डाल दिया है, साथ में हरी मिर्ची भी यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह सारी चीज़ें हम लोग तेल में सौटे कर लेंगे तो ये अचार ज़्यादा दिन तक टिकता है और जल्दी से ख़राब नहीं होता, और आप इसे इंस्टेंटली खा भी सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक चम्मच हल्दी डाली है, अचार में थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा ही डलती है, इससे हल्दी का फ्लेवर अचार में अच्छा आता है। इसके बाद हमें यहाँ पे नमक डाल देना है, नमक मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है। नमक ज़्यादा ही डाले अचार में तो अचार का टेस्ट थोड़ा खट्टा आता है, अगर इसमें हम लोग नींबू या विनेगर डालेंगे तो और ज़्यादा अचार खट्टा होता है, इसलिए नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। नमक डालने के बाद सब्जियों का पानी छूटने लगेगा, तो अभी स्टेज पे हमें गैस फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेना है, एकदम ज़्यादा हाई नहीं करना है, थोड़ा सा मीडियम से हमें हाई कर लेना है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सब्जियों का पानी तेल में अच्छे से सूख जाए। अचार का मसाला मैंने भून के पीसा था तो उसमें मैंने साबुत धनिया नहीं डाला था, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर धनिया का पाउडर डाल रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर धनिया का पाउडर मैंने डाल दिया है। और अभी जो मसाला हम लोगों ने पीस के रेडी करके रखा था वो डालना है, आपको जितनी क्वांटिटी में डालना है मसाला वैसे आप डाल सकते हैं। मैं पहले यहाँ पे 1 से 2 चम्मच मसाला डाल के मिक्स कर रही हूँ, चाहे तो हमें बाद में लगेगा कि मसाला कम पड़ रहा है तो बाद में डालेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कलर और टेस्ट के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। वैसे तो इस अचार में मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ फ्लेवर और टेस्ट के लिए मसाले यहाँ पर डालने होते हैं। मुझे यहाँ पे मसाला थोड़ा कम लग रहा है तो मैं बचा हुआ मसाला भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से मसाले की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसे अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे ली है राई की दाल। राई की दाल मार्केट में या ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाती है और इस अचार में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे तो हम लोगों ने अचार का मसाला पीसा था तब मैंने राई का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं यहाँ पर राई की दाल यूज़ करने वाली थी, और जो भी अचार मार्केट में मिलते हैं उसमें ज़्यादातर राई के दाल का ही यूज़ होता है, ना कि राई के दाने पीसकर। अगर आपने होटल या ठेले वाले भैया के पास का पराठा खाया होगा और उसके साथ मिलने वाला जो अचार होता है उसको खाया होगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी राई का दाल का ही यूज़ करते हैं। राई के दाल से इस अचार में एक यूनिक फ्लेवर आता है और टेक्स्चर भी बहुत ही बढ़िया दिखता है, साथ में उससे अच्छा कलर भी आता है, इसे देख कर ही हमें इसे खाने का मन करता है। दाल की क्वांटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी थोड़ी सी दाल और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दाल कम लग रही है। दाल डालने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने नींबू पहले नहीं डाला था क्योंकि नींबू हमें लास्ट में डालना है। अगर नींबू हम लोग पहले डाल के पकाते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आता है, क्योंकि नींबू के छिलके में कड़वापन होता है और इसे हम लोग बाकी सब्जियों के साथ पहले पका लेते हैं तो सारे अचार का टेस्ट कड़वा लगता है। इसलिए कभी भी आप अचार पकाकर बनाने वाले हैं तो नींबू को सबसे लास्ट में डालें, इसलिए वो ज़्यादा देर तक पकेंगे नहीं। अभी यहाँ पे हमें गैस फ्लेम स्लो कर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे तो हम लोगों ने इस अचार में नींबू का यूज़ किया है तो ये अचार खट्टा बनेगा ही, बट मैं यहाँ पर 1/2 कप यहाँ पर विनेगर डाल रही हूँ, विनेगर से अचार थोड़े और ज़्यादा दिन टिकता है। 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी गैस फ्लेम बंद कर लेना है, विनेगर भी सब्जियों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो यहाँ पे हमारा मार्केट स्टाइल सीक्रेट मसाले से और बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाला चटपटा मिक्स वेज का अचार तैयार है। इस अचार को आप तुरंत भी खा सकते हैं क्योंकि इस अचार को हम लोगों ने तेल में पहले पकाया था, तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और इसे सेट होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। किसी साफ़ सुथरे कांच के बर्नी में आप इसे भर के रखें, 1 से 2 महीने तक आराम से इसे खा सकते हैं। इसे फ्रिज में रखेंगे तो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। आप चाहे तो इसके ऊपर और ज़्यादा तेल डाल सकते हैं, बट इस अचार में तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम ही होती है। आप चाहे तो इस अचार को धूप में भी 1 से 2 दिन के लिए रख के तैयार कर सकते हैं, बट इसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पकाकर हम लोगों ने सेट कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से बिल्कुल मार्केट स्टाइल अचार घर में बनाएं, आपको मार्केट से खरीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अचार दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके अचार को घर में ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में बाजू वाला बेल बटन भी दबाएं, इससे आने वाले नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स भी मुझे दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी।